राखी अगर अपने पे आ गई तो वो बड़ों बड़ों को लाइन में लगा दे। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो एक फाइटर है और ऐसे छोटे मोटे आदिल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आदिल को जरा भी प्रमोट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जितना भी टाइमलाइन उसको लेना था उसने ले लिया है। जी वेल पूरी यू नो जनता चाहे के बाद बावजूद अब आदिल को यहाँ मुंबई में जो राखी ने केस फाइल किया था उस पर बेल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो बेल जो उसको मिली है वो उसने पैसा यूज़ किया है, उसने अपनी राखी का ही पैसा यूज़ किया जो उससे लिया था उसने, और उससे उसने किस किस को ख़रीदा है वो तो उसी को पता है। लेकिन राखी अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो अपना हक के लिए लड़ रही है, और अगर उससे बेल मिली है तो अभी पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, राखी को अपना इंसाफ मिलेगा, राखी के साथ पूरी जनता खड़ी है, मीडिया खड़ी है। वो इससे निकल कर अभी दुबई गई है, दुबई में अपने उसने एक्टिंग क्लास डांस क्लास तो इससे वो बाहर निकलना चाहती है, बाहर निकल चुकी है वो। बहुत गम देखे उसने, बहुत प्रॉब्लम्स देखी, अकेली लड़ी है वो, इसलिए हमेशा वो फाइटर रही है। इसलिए मैंने राउडी राखी इसलिए रखा है कि वो फाइटर है और वो फाइटर हमेशा लड़ते रहेगी। और ये जो फिल्म है ये इसमें मैं किसी को प्रमोशन नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ राखी को प्रमोशन देना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म राखी की है। और ये फिल्म हम तीन लैंग्वेज में कर रहे हैं, हिंदी मराठी। अभी भी राखी बिग बॉस से आई है तो मराठी के उसके करीब 35 मिलियन फैंस हैं। और ये फिल्म गुजराती में बन रही है पहली बार क्योंकि मम्मी गुजराती थी और मॉम की बहुत इच्छा थी कि राखी कोई गुजराती फिल्म करे एज ए हीरोइन, क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती है, पटेल है, और पटेल समाज के लिए हमेशा सोची थी क्योंकि मम्मी को भी बचपन में गुजराती फिल्म का ऑफ़र आया था लेकिन फादर इतने स्ट्रिक्ट थे उन्होंने कभी उन मम्मी को अलाउ नहीं किया। लेकिन जो माँ की जो लास्ट इच्छा है, माँ की जो एक आखिरी ख्वाहिश है, वो हमेशा चाहती थी कि राखी कोई गुजराती फिल्म करे एज ए हीरोइन। तो ये मैं गुजराती में भी कर रहा हूँ मेरे गुजराती फैंस के लिए, खासकर मेरी माँ के लिए, मेरी माँ की जो आखिरी इच्छा है वो पूरी करने के लिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ राउडी राखी, गुजराती मराठी और हिंदी में। नहीं, वो खुद अपसेट है और उसने बोला भी है कि मुंबई पुलिस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, बराबर से तहकीकात नहीं कर रही है, पुलिस उससे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ना उसका मोबाइल ढूंढ रही है, ना उसका जो डाटा है वो बता रही है, उसके पास जितने प्रूफ्स हैं वो भी वो नहीं बता रहे हैं, और वो जो सारे प्रूफ्स उसने उठाने की कोशिश की है, मोबाइल उसने जो घुमा दिए हैं, अब मोबाइल दे नहीं रहे। तो पुलिस अपना काम कर रही है जो महाराष्ट्र पुलिस हमेशा करती है, लेकिन राखी को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कोई आज उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आज उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, आज उसे पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है, पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेली लड़ी है। देखो उसे एहसास हुआ है कि उससे गलती हुई है, उसने वो रोई है इतने मीडिया के सामने कि उसके साथ गलत हुआ है, जो उसके साथ गलत हुआ है तो पुलिस का और कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर होता है, वो पूरा प्रोसीजर हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वो शातिर है, वो दिमाग ज़्यादा लगा रहा है, उसे पता है कि उसने पहली बार तो किया नहीं, ये राखी भोली है, फंस गई, और अभी ये जो अभी अपनी दिमाग लगा रहा है, अपना चला रहा है, आई थिंक सो कि उसे इंसाफ मिलेगा और आदिल को उसकी सज़ा मिलेगी। वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो कर पाएगा क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसकी वार्निंग है और राखी अब वो नहीं रही जो पहले थी, बहुत स्ट्रांग है राखी, अगर अपने पे आ गई तो वो
बड़ों बड़ों को लाइन में लगा दे। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो एक फाइटर है और ऐसे छोटे मोटे आदिल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तब एक अलग चीज़ थी, उसकी एक अलग प्यार था, एक अलग रिश्ता था जो उसे चुप कराता रहा, उसे वो निभाती रही। वो चाहती थी कि मैं निभाऊं, अच्छे से करूं, तो इसलिए वो सहती रही। अब जब हकीकत सब कुछ सामने आ गई है, अब उसका बाल तो क्या, मतलब मैं तो बोला उसके करीब ही नहीं आ सकता वो। आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी हिम्मत उसके अंदर है, और अगर है तो चैलेंज करते हैं। आ भाई, पहला भाई है वो तो बहुत दूर है, इतनी हिम्मत तो खाली मेरे सामने आके खाली इतना हिम्मत करके तो दिखा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत आए बहुत गए। राखी अपनी स्ट्रांग है, पब्लिक उसके साथ है, पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके साथ है, और इस एरिया की पुलिस जो मेरी ओशिवरा पुलिस है, मैं यहाँ पर करीब 25-30 साल से हूँ, मैंने देखा है हमेशा ओशिवरा पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट कर रहा है हमको, तो हमें ऐसे कोई डर नहीं है ऐसे।